इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद में आप सभी का खैर मकदम है। शहर में जब चहल पहल रहती है तो हादसे, इजलास या दीगर खबरों की भरमार भी रहती है, पर कोरोना को लेकर शहर को ही बंद कर दिया गया हो तो आपको दीगर खबरें कहां से हासिल होंगी। लिहाजा अब सिवाय कोरोना पॉजिटिव मरीज, ऑक्सीजन की कमी, मौतों के आंकड़े, इसी पर चर्चा लाजमी हो जाती है। खैर, बेलगाम शहर में आज फिर से कोरोना मरीजों के आंकड़ों में उछाल देखा गया। हासिल इत्तला के मुताबिक 1200 के करीब पॉजिटिव मरीज पाए जाने की खबर हासिल हुई। रियासत में भी बढ़ते मरीजों के मद्देनजर 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया। वैसे भी 10 से 24 मई तक येडियुरप्पा हुकूमत ने लॉकडाउन का ऐलान किया था, पर आवाम में लॉकडाउन को लेकर किसी तरह की संजीदगी नजर नहीं आ रही है, ऐसा हुकूमत का कहना है। कल शनिचर से पीर सुबह तक सख्त लॉकडाउन पर अमल करने की बात कही जा रही है, यहां तक के पुलिस दंडों का भी इस्तेमाल करने की बात वजीर दाखिला बसवराज बोम्मई ने कही है। बहरहाल फिर से 14 दिन के लॉकडाउन में इजाफा किया गया है। वैसे भी लॉकडाउन में लोग बेकार हैं तो जाहिर है बेकारी, बेरोजगारी से ही तो जुर्म के रास्ते खुलते हैं। लिहाजा लॉकडाउन के चलते कुछ जुओं के अड्डों पर छापा मारकर पुलिस ने तकरीबन 15 से भी ज्यादा अपराधों को गिरफ्तार करने की खबर हासिल हुई है। हासिल इत्तला के मुताबिक एपीएमसी पुलिस की जानिब से राजीव गांधी कॉलोनी में जुए के अड्डे पर छापा मारकर 1,60,000 रुपए, रोक रकम 15 मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। एपीएमसी के पुलिस अफसर जावेद मुशाफरी की निगरानी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। खैर, कोई भी शख्स बेरोजगारी, बेकारी, बंद कारोबार के लिए जुए जैसे गलत कामों की कोई हिमायत तो नहीं करता, पर अगर दूसरा पहलू को भी टटोलने की कोशिश करे तो आखिर अवाम के साथ लॉकडाउन के बहाने क्या हुकूमत मामला करना चाहती है? आखिर गरीब अवाम अपना गुजारा करे भी तो कैसे? इसी पस मंजर में कई जुर्म गुनाह पनपते देखे जा रहे हैं। अभी हाल ही में मन्नूर के यहाँ पर आमों के बाग पर हमला करके आमों को चोरी कर लिया गया, यानी कि किस तरह से, यानी कि चोरों की हिम्मतें बढ़ रही हैं, तो इन्हें कहिए कि ये मजबूरी में चोरी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसे मजबूरी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हुकूमत की अपनी कुछ जिम्मेदारी होती है। कहने का मतलब, अगर शहर के तमाम कारोबार को कोरोना आलमी वबा के आड़ में सब कुछ बंद कर दिया जाए तो जाहिर है जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, और इसी कुछ करना पड़ेगा कि जहनीत इंसान को जुर्म के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दे। महज आवाम को हर मामले के लिए जिम्मेदार ठहराना किस हद तक सही है? अगर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हुकूमत जो भी फैसले ले रही है सही है। फिर से 2 हफ्तों के लॉकडाउन का फैसला रियासती हुकूमत की जानिब से लिया गया, क्या कभी आवाम से राय पूछने की जरूरत इन हुकूमतों को महसूस हुई है? जिस आवाम ने तुम्हें इख्तदार की कुर्सी अदा की हुई है, पता नहीं पॉजिटिव नेगेटिव के जरिए कितने दिन, कितने हफ्ते, महीने और लॉकडाउन करने का इरादा तमाम हुकूमतों का है। बार बार कहा जाता है कि गरीब इसमें पीसा जा रहा है। आज अगर लॉकडाउन के बावजूद भी सड़कों पर आवाम निकल रही है तो सड़क पर घूमने वाला हर फर्द के पीछे एक कहानी है। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस कहानी को सुनने के लिए ना तो हुकूमत के पास कान है और ना देखने के लिए आंख है। बिना मास्क के घूमने पर जुर्माना वसूल किया जा रहा है, बेवजह घूमने वालों पर लाठियां भांजी जा रही है, पर क्या कोई आगे बढ़कर इनकी हकीकत को समझने की भी कोशिश नहीं करता? यकीनन एकाद कोई होगा जो बिला वजह घूमता होगा, पर आखिर कोरोना का डर इस इंतहा तक अवाम की जहन में पैवस किया गया है कि शायद ही कोई बेवजह घर से बाहर निकलता हो। हाँ, घर में अनाज नहीं है, 2 वक्त की रोटी गूंदने के लिए उसके घर में आटा नहीं है, ऐसे अफराद मजबूर होकर घरों से बाहर निकलते हैं। उन भीख मांगने वालों के बारे में कभी सरकार ने सोचा है जो हर रोज फुटपाथ झोपड़पट्टी में रहकर गली मोहल्ले में जाकर भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं? इनके बारे में कौन सा पैकेज बनाया? महज ऐलानात के जरिए आवाम का पेट नहीं भरा जाता साहब। अगर मनमानी बंद या लॉकडाउन का ऐलान करने से आखिर गरीबों की बुनियादी जरूरतें कैसे मुकम्मल होंगी? अगर आप शुरुआत से ही देखेंगे कि हुकूमत किस तरह हर फैसले पर उलझनों में फंसी नजर आती है, पहले स्वैब टेस्टिंग, फिर दूसरे गांव को जाने के लिए निगेटिव रिपोर्ट, फिर आरटीपीसीआर और अब रैपिड टेस्ट। पहले बताया जाता है कि रैपिड टेस्ट को सही नहीं माना जाएगा, आपको आरटीपीसीआर करना होगा, पर अब एक बार अपने ही फैसले से हुकूमत यू टर्न लेते हुए रैपिड टेस्ट पर जोर देने की बात कह रही है। इससे पहले आरटीपीसीआर को मुल्क भर में 70% करने की बात कही जा रही थी, पर अब इसी फैसले को बदलते हुए 60% रैपिड टेस्ट और 40% आरटीपीसीआर की बात कही जा रही है। इसी तरह वैक्सीनेशन को लेकर भी क्या फैसला लिया जाए, इसमें असमंजस देखा जाता है। वही ब्लैक फंगस के बढ़ते मरीज भी कोरोना की मंसूबाबंदी में रुकावट पैदा करने वाले हो रहे हैं, क्योंकि ब्लैक फंगस अब महामारी बनती दिखाई दे रही है।
स्टेरॉइड के इस्तेमाल के बाद शुगर मरीजों में ब्लैक फंगस का असर तेजी से बढ़ता देखा जा रहा है। रियासत में सैकड़ों मामले ब्लैक फंगस के पाए जा रहे हैं, जिससे हुकूमत की परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है। जहां कोरोना कोई काबू पाने में हर लिहाज से हुकूमत नाकाम होती दिखाई दे रही है, वहीं नई नई बीमारियों से सेहत महकमा भी परेशान होता दिखाई दे रहा है। कई डॉक्टर्स मायूसी का शिकार होने की भी इत्तला हासिल। मरकजी हुकूमत ने अब ब्लैक फंगस को भी महामारी कहा है। ब्लैक फंगस की दवा की भी भारत में अब कालाबाजारी शुरू हुई। वाजह है कि कोरोना से भी ज्यादा जानलेवा ब्लैक फंगस है। मजीद ताज्जुब की बात तो यह है कि बीमारियों की फहरिस्त तवील होते जा रही है। भारत के कई रियासतों में म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली एक एंटी फंगल दवा की जबरदस्त कमी देखी जा रही है। खैर, बीमारियों की बढ़ती फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है। ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस का भी कहर बढ़ रहा है। कई रियासतों में व्हाइट फंगस की भी तस्दीक हो चुकी है। कहने का मतलब, जब बीमारियां कतार दर कतार दाखिल हो रही है तो आखिर हुकूमत इस पर काबू कैसे पाएगी? जबकि इन्हें भी महामारी कहा जा रहा है, तो क्या फिर हमेशा इसी तरह लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा? क्या इन बीमारियों का इलाज महज लॉकडाउन है? अगर नहीं है तो आखिर गरीब आवाम के सब्र का इम्तिहान क्यों लिया जा रहा है? लिहाजा आने वाले 15 दिनों को फिर से कारोबार बंद रखने का फैसला हुकूमत की जानिब से लिया गया। आवाम की राय है कि महज 2,000-3,000 के ऐलान या पैकेजेस से कुछ नहीं होने वाला। पहले घर में राशन और अकाउंट में रुपया देकर जितना चाहे उतना लॉकडाउन बढ़ाते रहे। इतना तो जरूर है कि बढ़ते लॉकडाउन से आवाम तो नाराज है, भले हुकूमत आवाम के हक में ही लॉकडाउन होने का कितना ही दावा करती रहे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह।